देखो स्टार्ट करते हैं विद टॉपिक फ्लूइड प्रेशर। देखो जो फ्लूइड प्रेशर है, फ्लूइड प्रेशर का मतलब लिक्विड का प्रेशर या लिक्विड की वजह से प्रेशर। तो इसका मतलब अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें सॉलिड का कोई काम नहीं है, उसमें लिक्विड का काम है। तो अब से लेके अगले 3-4 चैप्टर लगातार लिक्विड्स के ऊपर ही बेस्ड हैं, जिसको फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो अभी लिक्विड मूव भी करेगा, जैसे काइनेमेटिक्स में मूव करते थी सॉलिड बॉडी, इसमें लिक्विड मूव करेगा। और लिक्विड जो मूव करेगा उसकी कौन सी एनर्जीज एसोसिएटेड हैं वो डिस्कस करेंगे, कितनी फोर्स लिक्विड लगाएगा, कितना प्रेशर लगाएगा, कितनी एनर्जी लगाएगा, ये सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले लिक्विड के अंदर पहली चीज़ जो स्टडी करने की होती है और वो है प्रेशर, क्योंकि लिक्विड में जो फोर्स लगनी है वो प्रेशर की वजह से है या प्रेशर फोर्स की वजह से है। तो इसमें कुछ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है। तो अगर मान लो ये आपके पास एक लिक्विड रेस्ट पे पड़ा हुआ है, कोई मोशन नहीं है, इस चैप्टर में मोशन नहीं स्टडी करेंगे, लिक्विड रेस्ट पे स्टडी करेंगे, अगले चैप्टर में उसको मोशन में लेके आएंगे। तो अगर एक लिक्विड रेस्ट पे है तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और उसमें से मान लो एक्स एक पानी का पार्टिकल है, लिक्विड का पार्टिकल है, ठीक है। तो लिक्विड का पार्टिकल है एक्स, ये लिक्विड का पार्टिकल इज सराउंडेड बाय एन नंबर ऑफ लिक्विड के अदर पार्टिकल्स, ये भी ठीक है, घिरा हुआ है पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स से। और कमाल की बात देखो, पानी अभी भी रेस्ट पे है, तो मूव ही नहीं कर रहा, हम तो स्टडी कर रहे हैं। क्या ये एक्स पार्टिकल अगर आप पानी का गिलास भर के रख दें तो बिल्कुल रेस्ट पे है, पानी हिल भी नहीं रहा, तो क्या ये लिक्विड के पार्टिकल इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे? तब भी लगाएंगे, हर वक्त लिक्विड के सराउंडिंग पार्टिकल ये एक्स पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं, इसको दबाते हैं हर तरफ से। अगर एन नंबर ऑफ पार्टिकल है तो एन नंबर ऑफ पार्टिकल हर तरफ से फोर्स लगाते हैं, और एक्स पार्टिकल भी इन पार्टिकल पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रहता है, ठीक। तो एक्स पार्टिकल ऐसा लग रहा है दब रहा है, तो फिर ये मूव क्यों नहीं कर रहा? इधर से भी फोर्स है, इधर से भी फोर्स है, इधर से भी ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि इन सब का वेक्टर सम ऑफ फोर्स क्या आता है? जीरो। पानी का पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, फोर्सेस लगती हैं, पर नेट फोर्स हर तरफ से क्या जाती है? जीरो, ठीक है यहां तक। लेकिन ये फोर्स लगने की वजह से एक्स पॉइंट पर क्या लगेगा? प्रेशर। तो यही लिखा हुआ है इसमें, ऑल पार्टिकल्स आर पुशिंग एक्स इन इनवर्ड डायरेक्शन एंड एक्स इज पुशिंग ऑल पार्टिकल इन आउटवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मली एक्स एक्सपीरियंस कर रहा है क्या? कंप्रेसिव फोर्स, दब रहा है वो हर तरफ से। रिजल्टेंट फोर्स एक्स पे क्या है? जीरो है, बता दिया मैंने। ड्यू टू कॉन्टैक्ट फोर्सेज बाय सराउंडिंग पार्टिकल एक्स क्या एक्सपीरियंस करता है? प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड प्रेशर। तो आप अगर पानी का कोई पार्टिकल ने पानी के वेसल या कहीं भी कंटेनर के अंदर वो सराउंडिंग पार्टिकल से घिरा ही घिरा होगा और सराउंडिंग पार्टिकल उसके ऊपर नेट फोर्स लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके ऊपर प्रेशर लगेगा ही लगेगा। तो पानी के अंदर प्रेशर लगेगा ही लगेगा, ऐसा हो नहीं सकता पानी के अंदर जाएं और पानी का प्रेशर ना लगे, ठीक हो गया यहाँ तक। तो इसको फ्लूइड प्रेशर बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू फ्लूइड प्रेशर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रेशर है क्या वो वेक्टर है या स्केलर है? सुनने में वेक्टर लगता है, क्योंकि प्रेशर इधर लग रहा है, प्रेशर उधर ज्यादा लग रहा है, उधर हम डायरेक्शन बोलते हैं प्रेशर की, लेकिन ये एक स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीट वेक्टर वो होती है जिसकी सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमेशा, प्रेशर की एक डायरेक्शन कभी नहीं होती। तो प्रेशर हर तरफ लगता है क्योंकि फोर्स हर तरफ लगती है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि प्रेशर तो फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स तो वेक्टर है तो प्रेशर तो वेक्टर है। फोर्स वेक्टर है, उसके नीचे एरिया भी वेक्टर है, और हमने डिवीजन ऑफ वेक्टर तो किए नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि ये स्केलर ही रहता है, ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसकी ये वेक्टर बन नहीं पाया, क्योंकि जिसकी मल्टीपल डायरेक्शंस होती है ना वो कंप्लीट वेक्टर नहीं हो सकता, वेक्टर की एक ही डायरेक्शन होती है और इसकी मल्टीपल है, ठीक। तो जैसे पानी, आप अगर इमेजिन करें कि सपोज आपने एक गुब्बारा ले लिया, होली खेलते हैं, गुब्बारा ले लिया, पानी से भर दिया और उसमें क्या किया, होल्स कर दिया 8-10। आप एक तरफ से उसे दबाएंगे ना अगर, तो सारे होल में से पानी निकलेगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड है हर तरफ से। अगर वेक्टर होता एक होल में से निकलता, बाकी होल में से निकलता ही ना, क्योंकि
एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन है ही नहीं, मल्टीपल है, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। तो पहला पॉइंट है इट एक्ट्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड बॉडी, डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर पॉइंट पे एक्ट करता है, हर तरफ एक्ट करता है, ठीक। नेक्स्ट है एट वन पॉइंट इन अ फ्लूइड बॉडी इट एक्ट्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। देखो वो तो क्या, एक पॉइंट पे ये हर तरफ एक्ट करता है, अगर ये वेक्टर होता सिर्फ एक तरफ एक्ट करता, जबकि हर तरफ एक्ट, यानी कि इसकी सारी डायरेक्शंस है प्रेशर की। इफ अ फ्लूइड इज इन कॉन्टैक्ट विद एनी सॉलिड सरफेस, तो फ्लूइड प्रेशर विल एग्जर्ट अ फोर्स नॉर्मल टू दैट सरफेस। तो इसके अंदर ये बताया हुआ है कि अगर मान लो इसके अंदर लिक्विड है और कोई पार्टिकल आप यहाँ पे लेते हैं बिल्कुल कॉर्नर पे वेसल के, तो ये लिक्विड का पार्टिकल इज सराउंडेड बाय एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो एन नंबर ऑफ पार्टिकल इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, वो सारी फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगी और नेट रिजल्टेंट पता कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, परपेंडिकुलर टू द कंटेनर पे ही आएगा। जबकि ऐसा नहीं होता कि फोर्स लग नहीं रही, हर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है पार्टिकल को, लेकिन वो सारा रिजल्टेंट नेट जीरो हो जाता है, एक ही नेट फोर्स बचती है हॉरिजॉन्टल की तरफ। अगर आप पार्टिकल यहाँ लेंगे कहीं पे, तो सारे पार्टिकल नो डाउट इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, पर वेक्टर सम जीरो करते हुए नेट फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ। तो इसीलिए आपकी बुक्स ये नहीं समझाएंगी आपको क्या हो रहा है, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बुक्स यहाँ से स्टार्ट नहीं करती, वो सीधा बोलती हैं कि ये जो लिक्विड है इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगाएगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, बात खत्म। लेकिन ये मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि एक्चुअल में नेट फोर्स जीरो होती है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक। नेक्स्ट है